तो आयरन मैन सीरीज देखने के बाद एक ही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था कि इतना पावर मेरे पास कैसे आ सकता है और मैं इन पावर्स का फिर कहाँ यूज करता। इसका एक ही जवाब मिला कि अभी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। बट आई बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, जिससे आयरन मैन वाली थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो आ ही सकती है, और ऐसा कुछ सूट मैं भी बना सकता हूँ। तो चलो बताता हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। अभी के लिए मैंने डिसाइड किया आयरन मैन के इस ग्लव को बनाने का। इसके लिए मेरे पास दो प्लान्स थे, एक प्लान ए एक प्लान बी। प्लान ए कुछ इस प्रकार था कि ग्लव में मैं एक हेवी लेजर लाइट लगा दूं, जिससे चीजों को काटा और जलाया जा सके। ऐसा तो अमेजन में मिलता ही है, बट इसका कॉस्ट कुछ ज्यादा था, इसलिए मैंने इस प्लान को ड्रॉप किया। अब मैं जाता हूँ प्लान बी की तरफ, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा बस एक LDR और एक लॉन्ग रेंज वाला लेजर लाइट। अब मैं एक सैंपल सर्किट रेडी करता हूँ, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जैसे ही मैं इस LDR पर लेजर की बीम डालता हूँ, ये सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही इस LDR के ऊपर लेजर का बीम पड़ेगा, ये वायर कुछ इस प्रकार से गर्म हो जाएगा, और फिर इस गर्म वायर से हम बारूद या किसी भी चीज को जला सकते हैं। कुछ इसी प्रिंसिपल के साथ मैं इस ग्लव को बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे इसके मॉडल को तैयार करना था, जिसके लिए मैं PVC पाइप का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इन पाइप्स को गर्म करके किसी भी प्रकार से मोड़ा जा सकता है। तो अपने पाम के साइज का काट कर इसे गर्म करके पतला कर देता हूँ, जिससे ये मेरे हाथ में परफेक्टली फिट हो जाता है। देन मैं इनमें फिंगर्स के पास मार्किंग करता हूँ और काट लेता हूँ। फिर सैंड पेपर की हेल्प से रफ सरफेसेस को स्मूथ कर देता हूँ। Now it is completely fitting in my hand, but on the opposite side it doesn't look good enough. जिसके लिए मैं इसके ऊपर के सरफेस में मार्किंग करके इसे काट लेता हूँ, और ये अब पहले से काफी अच्छा लगता है। अब मैं इस लाइट के डायमीटर के साइज का एक सर्कल बनाता हूँ यूजिंग माई कंपास, और बिना कोई प्रॉपर टूल के मैं इन्हें किसी तरह से जैसे तैसे काट लेता हूँ। Now it looks very perfect and attractive in my hand, और हाँ मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। अब मैं एक PVC सीट लेता हूँ और उसको कुछ इस शेप का काट लेता हूँ। फिर इसको चिपकाने के बाद मैं लेजर लाइट और LED को भी चिपका देता हूँ। फिर मैं एक पुश बटन और इस वाइब्रेटर मोटर को लगाता हूँ, जिससे हमें एक वाइब्रेशन फील होगा जब हम इस ग्लव को यूज करेंगे। तो अभी मैंने इसमें कुछ वायरिंग को कर रखा है, और पुश बटन को दबाते ही ये लेजर लाइट ऑन हो जाता है, और साथ ही ये वाइब्रेटर मोटर भी स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट मैं इसमें एक और पुश बटन ऐड करूंगा, जिससे ये बड़ा LED एक्टिवेट होगा। अब मैं इसमें एक ब्लरी सा कैप लगाता हूँ, जिससे ये लाइट अच्छे से स्कैटर हो पाएगा, बट लगाने के बाद भी लाइट को उतना अच्छा से स्कैटर नहीं कर पाता जितना अच्छा से मैं चाहता था, क्योंकि इनमें सारे बल्ब दिखाई देते हैं। इसलिए एक मैं दूसरा LED डिफ्यूज़र लेता हूँ, और इसे काटने के बाद इसके ऊपर चिपका देता हूँ, और फिर ये अच्छे से लाइट को स्कैटर कर पाता है। हाँ, अब ये पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लाइट को ठीक तरह से स्कैटर कर पा रहा है। देन मैं इसमें चार्जिंग सर्किट लगाता हूँ, और बैटरीज एंड सारे वायरिंग को कम्प्लीट करके इसे रेडी कर लेता हूँ। फिर इसके ऊपर एक कवर को चिपका देता हूँ, जिससे ये ढक जाता है। अभी इस ग्लव का पाम रेडी और फिंगर्स बाकी है। अब मुझे इसके फिंगर्स को बनाना है, जिसके लिए मैं फिर से PVC पाइप्स का यूज करता हूँ। तो पहले मैं अपने फिंगर्स के साइज को मेजर करता हूँ, और फिर उस हिसाब से पाइप्स को कट कर लेता हूँ। तो मेरे चार फिंगर्स के लिए मैं सेम डायमीटर का पाइप का यूज करता हूँ, बट फॉर द लिटिल फिंगर मैं इससे थोड़ा पतला का यूज करता हूँ। फिर इनमें मार्किंग करके इनको काट लेता हूँ। फिर मैं इन सभी पाइप में सर्कुलर मार्किंग करता हूँ, और हैंडसॉ की मदद से काट लेता हूँ। फिर मैं हॉट एयर स्टेशन की मदद से इन्हें हीट करता हूँ, और इन्हें कुछ इस प्रकार से बेंड कर लेता हूँ, जिससे ये सर्कुलर शेप से फ्लैट एरिया प्रोवाइड करता है, जो ऊपर से देखने में काफी सही लगता है। अब मेरे सारे फिंगर्स बनकर रेडी हो जाते हैं, और अब मैं कपड़ा की हेल्प से इन्हें चिपका देता हूँ, ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो सके।
और इनमें डार्क रेड एंड येलो पेंट करके इन्हें कंप्लीट करता हूँ। तो चलिए आपको इस ग्लव की खूबियों को बताता हूँ। सो मैंने इसमें एक चार्जेबल पिन और 3 स्विचेस ऐड किया है, जिसमें हर स्विच अलग अलग प्रकार का है और हर स्विच का काम भी अलग अलग है। जैसे जो पहला स्विच है यह इस ग्लव को पावर देने का काम करता है, जो दूसरा स्विच है वो हमेशा ऑन रहता है और ऑफ तभी होता है जब मैं फाइट बांधता हूँ, जो तीसरा स्विच है इसको दबाने पर लेजर और वाइब्रेटर दोनों एक साथ चालू हो जाता है। सो मैंने इस टेबल में अब रिसीवर सर्किट लगा दिया है और अब हम इसे टेस्ट करेंगे, पर उससे पहले आप कुछ शॉर्ट्स को देखिए। क्या हुआ यहाँ पर देख सकते हो आप लोग भाई साहब, यहाँ पर अभी कैमरा बचा अभी तो। वैसे इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट के 2 मिनट में ही है और हमें भी सबसे ज्यादा मजा इसे एक्सपेरिमेंट करने में ही आया। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट करो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और आप यह भी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा नया इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट देखना चाहते हो।